92.7 बिग एफएम पर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते शो अर्थ में, मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियाँ जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह से ही घर की रौनक और चमक देखकर कोई भी बता दे कि आज कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है। ये नजारा मिस्टर कुमार के घर पर नहीं बल्कि मिस्टर कुमार की दूर की बुआ के घर पर था, जहां पूरा कुमार परिवार जमा हुआ था। संतोष बुआ वैसे तो मिस्टर कुमार की सगी बुआ नहीं थी, उनके पापा की मुंह बोली बहन थी, मगर लगाव सगे रिश्तों से भी ज्यादा था। हर साल कहीं भी रहे बुआ जी, मगर रक्षाबंधन पर जरूर कुमार परिवार के साथ होती। आज उन्हीं संतोष बुआ जी के बेटे का रोका और सगाई दोनों एक साथ हो रहे थे, तो जाहिर सी बात है मिस्टर कुमार का पूरा परिवार बहुत खुश और शादी के जोश में डूबा हुआ था। भाई कहीं बॉलीवुड के गानों पर लोग थिरक रहे थे, तो कहीं घर की औरतें लोकगीत गाकर शगुन कर रही थी। पूरा घर फूलों से ऐसे सजा था कि घर कम और बागीचा ज्यादा हो, शादी का घर हो और पकवान की भीनी भीनी खुशबू ना आए, ऐसा हो सकता है? तो फिर क्या, जिया और आदि ने दूसरे बच्चों के साथ मिलकर लड्डू खाने का कंपटीशन भी लगा लिया था। भाई वाह, सब मस्त थे, खुश थे, मगर दूल्हे मियां यानी कि राहुल खुश होकर भी खुश नहीं लग रहा था। तो भाई बात दरअसल ये थी कि राहुल मियां अभी एक महीने पहले ही यूएसए से वापस लौटे थे। बुआ जी ने लड़की पसंद करने से पहले राहुल से पूछा था कि अगर उसकी कोई पसंद हो तो बता दे, जिसके जवाब में राहुल ने कहा था, माँ आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। बस तो बुआ जी ने राहुल के मैच की लड़की ढूंढ ली, राधिका। राधिका राहुल की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उनकी पक्की सहेली की भांजी भी। राहुल को वैसे तो रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, मगर उसका चेहरा कुछ और ही बता रहा था। बिना एक दूसरे को जाने, बिना एक दूसरे को समझे शादी, बस इसी का डर सता रहा था उसे कि कहीं बाद में कोई रिग्रेट ना हो। वैसे सगाई के बाद शादी में 6 महीने का वक्त था, मगर राहुल का डर अपनी जगह बरकरार था, जिसे घर के सबसे बड़े यानी कि कुमार साहब के पिताजी, जो राहुल के मामा जी भी हैं, उन्होंने भांप लिया था। क्या बात है बरखुरदार, बड़े उदास से लग रहे हो। हाँ भाई, वैसे बलि पर चढ़ने वाला बकरा डरा हुआ तो रहता ही है। नहीं जी मामा जी, सब ठीक है, बस थोड़ी थकान है, हो जाएगा ठीक। मगर मामा जी ने धूप में थोड़े ना बाल सफेद किए थे, वो समझ रहे थे राहुल की घबराहट का कारण। मगर शायद राहुल उनसे खुलकर बात ना करे, इसके लिए उन्होंने राहुल को समझाने का जिम्मा अपने बेटे और बहू को दे दिया। कुमार, राहुल को समझाओ शादी का लड्डू कितना मीठा होता है, इसको खाने वाला ना खाने वाले से कम पछताता है। मिस्टर कुमार राहुल की हालत समझ रहे थे, वो भी तो इसी दौर से गुजरे थे। श्रेया और उनकी भी अरेंज मैरिज थी और उन दोनों को शादी तय होते ही प्यार नहीं हुआ था, वक्त लगा था। पर लग रहा था सिर्फ बातों से राहुल की दुविधा का हल नहीं निकलेगा, मिस्टर कुमार को कुछ और भी करना होगा। राहुल बाहर आंगन में घर की सजावट को निहार रहा था और पास से गुजरती धनिया काकी को उसने चाय के लिए बोला। चाय आने में थोड़ी देर हो रही थी तो राहुल चिढ़ गया और उसी चिढ़ में उसने कहा, कब से एक कप चाय के लिए इंतजार कर रहा हूं, इतना टाइम लगता है क्या? तभी पास में खड़े मिस्टर कुमार ने कहा, तुमको गहरे रंग की चाय पसंद है ना, इसलिए काकी चाय को अच्छे से उबाल रही है। अब चाय है पाने थोड़ी ना, जो झट से हाजिर हो जाए। चाय पर कड़क रंग आने में वक्त तो लगता है जनाब, सब्र करो। राहुल को उनकी बात कुछ समझ नहीं आई, मगर चाय आ गई और वाकई चाय बहुत अच्छी बनी थी और चाय के साथ पकोड़े भी आ गए थे। राहुल बोला, सही कह रहे थे आप भैया, अच्छी चीजों में वक्त तो लगता ही है।
वाकई इंतजार सफल हो गया। क्या चाय बनी है और बोनस में पकौड़े भी, भाई वाह। चाय की चुस्की भरते हुए राहुल ने कहा, संतोष बुआ जी को गार्डनिंग का बहुत शौक था। सगाई पर आए सभी लोग उनके बोटानिकल गार्डन को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। राहुल भी इतने दिनों बाद गार्डन को देखकर बहुत सरप्राइज था। वाह माँ, तुमने तो कमाल कर दिया, हर रंग के फूल हैं यहाँ तो, रियली अमेजिंग। तभी राहुल के मामा जी ने कहा, बेटा ये सब रातों रात नहीं हुआ है, बहुत वक्त लगा है इस बगिया को सजाने में। इसमें सब्र और मेहनत की खाद डाली गई है और प्रेम भरी नजरों से इसकी निगरानी करी है तुम्हारी माँ ने, तभी आज तुमको ये सब अमेजिंग लग रहा है। राहुल उनका इशारा समझ तो गया था मगर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसी रात को छत पर जब वो अकेला बैठा कुछ सोच रहा था तो मिसेस कुमार वहां आई और बोली, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू देवर जी। नो नो नॉट एट ऑल भाभी, इनफैक्ट मैं खुद आपसे बात करना चाहता था। जानती हूं इसीलिए तो आई हूं, बोलो। अरे बोलो भी। एक्चुअली भाभी मैं शादी से भाग नहीं रहा, बस थोड़ा नर्वस हूं और अपनी आजादी के खो जाने का डर भी है। पिछले 8 सालों से स्टेट्स में अकेला जी रहा हूं और अब राधिका की लाइफ में एंट्री, आई मीन आप समझ रही हैं ना? हाँ हाँ मैं सब समझती हूं। देखो राहुल, हर रिश्ते को वक्त देना पड़ता है, रातों रात किसी को प्यार नहीं होता, ये जिंदगी है, बॉलीवुड फिल्म नहीं। यहां पहली नजर में अट्रैक्शन होता है, प्यार और विश्वास पैदा होने में वक्त लगता है। जिस चाय पर तुम्हारी जुबान से वाह निकली थी जनाब, या फिर जिस गार्डन की खूबसूरती तुमको अमेजिंग लग रही थी, उनमें भी तो टाइम लगा था, है कि नहीं? देवर जी, शादी का रिश्ता खून का तो नहीं होता, मगर एक वक्त ऐसा भी आता है जब ये हर रिश्ते से अजीज हो जाता है, क्योंकि ये समय की चाशनी में तब तक डूबा रहता है जब तक इसकी मिठास आपकी जिंदगी में पूरी तरह से घुल ना जाए। इसके लिए अपनी आज की खुशियों को जीना मत छोड़ो। देवर जी, सगाई और शादी एक ही बार होती है, कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल बाद अपनी ही एल्बम देखकर फिर उदास हो जाओ कि काश मैंने एंजॉय किया होता। और फिर 6 महीने मिल तो रहे हैं आपको, करो ना शादी से पहले वाला प्यार, एक दूसरे की अच्छी बुरी सभी बातों को जान लो, किसने रोका है तुम दोनों को? वैसे राधिका से बात तो करते ही होगे छुप के, दिन में एक दो बार, बताओ बताओ कितनी बार, 2 बार 3 बार 4 बार? अरे अरे देवर जी बताओ ना, अरे बताओ। अपने छोटे देवर को छेड़ते हुए श्रेया ने कहा, राहुल की दुविधा तो वक्त के साथ ही हल होगी, मगर वो ये जान गया था कि जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए वक्त देना जरूरी है, और जब बात इश्क और विश्वास की हो तो ये और भी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, नए रिश्ते जोड़ने में भी वक्त लगता है और उनको निभाने में भी, मगर परिवार वाले साथ दें तो ये इंतजार लंबा नहीं लगता। आज के लिए इतना ही, मैं सौरभ राज जैन जल्द ही आपके सामने आऊंगा जीवन को सही अर्थ देने वाली कुछ और प्रेरक कहानियां लेकर। छोड़े जाता हूं आपको इस गाने के साथ, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।